नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्प के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर आप ओल्ड कॉइन या नोट बेचना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक नंबर देने जा रहा हूँ जो कि ओसवाल ऑक्शन नाम से कंपनी है जो कि पुराने नोट और सिक्के की खरीद बिक्री करती है। उस कंपनी का नंबर है और ये वर्किंग नंबर है, इस पर 100% कॉल लगती है। मैंने ट्राई किया था, कॉल लग रहा है, तो मैं ये नंबर जो है आप लोगों को देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग कुछ ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कौन से नोट बेच सकते हैं, ठीक है, या कौन से सिक्के बेच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप यूनिक कॉइंस नोट और सिक्के जो है वो बेच सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ऐसा 10 रुपये का सिक्का है जिसके बैक साइड में ये जो बना हुआ है इसके अलावा कोई दूसरा चीज बना हुआ है, तो ये जो है एक तरह से यूनिक है, ठीक है। दूसरा, हम आपको एक और जो है कॉइन दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉइन को। ये कॉइन जो है यहाँ पे, अगर आपके कॉइन में यहाँ पे अगर स्टार बना हुआ है तो आप उसे बेच सकते हैं, या आपके पास कोई भी पुराने नोट है जो अभी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, आप उसे भी बेच सकते हैं, या आपके पास कोई 786 का नोट है, या आपके पास कोई भी पुराना कॉइन या सिक्का है तो आप उसे यहाँ पे बेच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दे देता हूँ फटाफट से नंबर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। तो यहाँ पे जो है आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, ये ओसवाल ऑक्शन कंपनी का नंबर है, मैंने इसके वेबसाइट से लिया है, और ये जो कॉल है ये यहाँ पे कॉल लगती है। आप ये जो है एंटिक्स कॉइन वगैरह, यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, तो आप दोनों में से जिस नंबर पे चाहे उस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर जो है इसका 022 एंड उसके बाद 21 42 52 04, और यहाँ पे जो इनका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 81 69 67 0 791। तो ये नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर जो है वर्किंग है और इस पर कॉल आपका लगेगा, और मैंने इस पर ट्राई किया था तो कॉल लग रहा है, तो आप इस पर जो है बात कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रोसेस बताए जाएंगे, अगर आपको इसमें आप सेटिस्फाइड है, जो भी आपको बताया जाता है उस हिसाब से आपको लगता है कि सही है तो आप कीजिए, अगर आपको नहीं लगता है कि ये सही नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, अगर ज़्यादा परेशानी इसमें है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अगले दूसरे वीडियो में कोई भी दूसरा तरीका बताने, मतलब जो है देने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।